सुप्रभातम संस्कृत कक्षायां भवतां स्वागतम अस्ति। अद्य वयं संस्कृत व्याकरणे संधिं पठामः। संधि वृद्धि रेचि संधि किम् वृद्धि रेचि संधि हिंदी वृद्धि संधि अनेन पुरा अपठाम दृक् संधि गुण संधि परम अध्ये वृद्धि रेचि संधि पठामः। ध्यानं दत् अत्र पश्य को ओ आ क्या है इसमें ओ या आ में ए या ऐ ध्यान देना ओ आ में ए या ऐ को जोड़ने पर जमा करने पर क्या बनता है ऐ। ओ आम ओ या आम में ए ऐ जोड़ने से क्या बनता है ऐ बनता है। ये बनता है यथा ध्यानंगत वसुधा जमा एव ध्यानंगत वसुधा जमा एव बराबर होगा। अब देखना है वसुधा जो शब्द है ये शब्द का अंतिम जो स्वर है वो है आ। क्या है आ और एव का पहला एव जो शब्द है इसका पहला जो स्वर है वो है ए। वसुधा का अंतिम स्वर आ और एव का पहला जो स्वर है वो क्या है ए। और इसमें क्या है तो इसका जो अंतिम स्वर है आ यहां लिखेंगे वसुध अलंत क्यों वसुध यहां होगा अलंत होगा क्योंकि इसमें से आपको हम हटा दिए पहले इसमें से निकाल लिए हैं। उसके बाद है एव एव का और आ के साथ उसको जोड़ना है तो उसके बाद बच गया एव यहां पर लिख दिए व क्या लिख दिए व। अब क्या करना है यहाँ आ जमा ए ध्यान देना है आ जमा ए बराबर क्या हुआ ए और इसका मात्रा होता है डबल ए के लिए। इसका मात्रा क्या होता है डबल ए के लिए तो क्या है यहाँ आ जमा ए को जोड़ने पर क्या बना ऐ ऐ बना और इसका मात्रा ऐ होता है यहाँ होगा वसुधैव और यह हलंत जो है क्या होगा हट जाए क्या बना वसुधैव किम वसुधैव। अगर यथ जमा एकदा यथा जमा एकदा यथा जमा एकदा अब इसमें देखना है यथा जो शब्द है इसका इसका जो अंतिम स्वर है वो क्या है आ। इसका नहीं यथा जो है अंतिम जो है इसका जो अंतिम स्वर है इसमें क्या है आ तो बच क्या जाएगा यो थो हलन है यो थो हलन होगा क्यों हलन होगा क्योंकि इसमें से आ को पहले ही हटा दिए हैं। अब इसका क्या करना है इसको हमको जोड़ना है इस शब्द का पहला स्वर से पहला शब्द के अंतिम स्वर से और बाद वाला शब्द का पहला स्वर से इसको क्या करना हमको ऐड करना है मतलब जोड़ना है। उसके बाद बच गया कदा लिख देंगे कदा ठीक है कदा लिखिए क्योंकि इससे हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ इससे पहले का कोई मतलब नहीं है और इसके बाद वाला से कोई मतलब नहीं है यहाँ हमको जोड़ना है इसके ऐसे ठीक है। और इस ग्रुप को जोड़ेंगे ध्यान देना ओ या आ जमा ए बराबर क्या हुआ है और है का क्या होता है डबल ए के लिए यहाँ होगा डबल ए के लिए और यह हलंत जो है क्या होगा हट जाएगा बना यथेकदा किम यथेकदा। अग्र ध्यानंद मम जोर ऐश्वर्यम किम मम जमा ऐश्वर्यम मैम मम जमा ऐश्वर्यम
धनंदक अध मम जमा ऐश्वर्या ध्यानेन पश्यत किंच अवधार्य। यहाँ जो है मम मम का जो शब्द है इसका अंतिम सुर है और इसका क्या है पहला जो है ए, इसका मम मम का अंतिम सुर क्या है ओ, तो हम यहाँ लिखेंगे ओ यहाँ पर लिखेंगे और बच क्या गया मम हलंत। हलंत कैसे होगा क्योंकि पहले हम इसमें से क्या किया ओ को हटा दिए हैं, उसके बाद हमको जोड़ना है एस उसके जो है अंतिम और उसके पहले होगा से, तो इसका क्या है यहाँ पर हम लिखिए ऐश्वर्य का जो जो शब्द है जो अक्षर है उसको यहाँ लिखिए और उसके बाद बच गया ऐश्वर्य यहाँ लिखेंगे ऐश्वर्य क्या है ऐश्वर्य। और यहाँ जो ओ जमा है ओ जमा है तो जोड़ने पर क्या बना ओ जमा है दिख रहा है ओ जमा है बराबर हुआ है इसका मतलब डबल लिख ले तो यहाँ होगा डबल लिख ले और यह हलंत जो है क्या होगा हट जाएगा बचा ये बना सब ममेश्वर्यम किम ममेश्वर्यम अवधार्य एवं आम अथवा नाम अग्र ओ आ द्वितीय ओ अथवा आ जमा ओ अथवा ओ संगम ओ और अथवा आ संगम ओ जमान है ओ अथवा ओ संगम ओ इसका जो मात्रा है वो ऐसे है ठीक है इसका मात्रा क्या है ऐसे है तो यहां जो है ओ या आ में ओ या ओ को जोड़ने पर क्या बनता है ओ बनता है और इसका मात्रा क्या है इसका मात्रा पाई और डबल एकले है ठीक है। तो इसका होगा जैसे मैं देखिए तो यथा में 20 जमा और भी 20 जमा औषधि अब इसको देखना है फिर इसका जो है अंतिम स्वर और अंतिम स्वर क्या है और हम इसको लिखेंगे 20 फलन ठीक है और इसका जो पहला जो स्वर है औ तो फिर हम इसको जोड़ना है और औ को तो बच क्या गया स भी ठीक है अब ओ जमा ओ ओ सॉरी ओ जमा ओ बराबर क्या ओ इसका क्या होता है ए तो यहां लिखाएगा क्या हुआ विशोष भी क्या हुआ विशोष भी अग्र अग्र कंठ जमा औषधम अग्र कंठ जमा औषधम किम कंठ जमा औषधम इसका जो अंतिम स्वर और इसका ओ ओ है यह लिखाएगा कंठफलम उसके बाद जमा ओ और इसका जो है कि इसका पहला स्वर क्या है ओ बच गया स ठीक है अब इस दोनों को जोड़े तो क्या बना ओ ओ जमा ओ और जमा ओ बराबर क्या ओ यहां होगा इसका मात्रा ऐसे कंठोष्ठम किम कंठोष्ठम अवधार्य अग्र अग्र तंदूर
किम अद्र अद्र ठीक है। अब इसमें क्या है तंदूर का अंतिम स्वर और लिखेंगे तंदूर पलंग और इसका क्या है ओ, इसमें जो जोड़ना है ओ, इसका अंतिम स्वर और इसका ओ है, इसके बाद का तो मतलब नहीं लिखेंगे यहाँ ग ठीक है मोहलन। और क्या करेंगे इसको को जोड़ने से ओ बना और ओ और जमा ओ बराबर क्या और बैठे कैसे होता है क्या होगा जो मोहलन है जिसमें जोड़ेंगे तो बनेगा क्या तंदुलोदनम किम तंदुलोदनम। अब धारियत एकदा महाजमा औषधि महाजमा औषधि अत्र मोहलन मोहलन कि इसमें से आ पहले इसको क्या करेंगे हटाएंगे तो बच गया क्या महा में से आ हटा लेंगे बच गया क्या मोह तो मोहलन हो गया और उसको हमको जोड़ना है और के साथ इधर क्या बच गया स्वधि स्वधि। और यहाँ इसका आ और इसका ओ ओ इसका ओ है आ जमा ओ बराबर ओ तो इसका ऐसे होता है यहाँ लिखाएगा आयोलेटे महोषधि के महोषधि। सर्वे उत्तर पुस्तिका लिखत उत्तर पुस्तिका लिखत शीघ्र कस्य समस्या न पूर्णम पूर्णम अस्तु पुनर्दर्शनाय धन्यवादः।